रानिया ने एक नजर फिजा पर डाली। वह आराम से सो रही थी। वह ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां सोनिया की सहेली कंजा सोफे पर अरसलान से सटी बैठी थी। रानिया को उसका यह अंदाज बड़ा बुरा लगा। वहीं पर सोनिया के वकील भी मौजूद थे। वह ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां सोनिया की सहेली कंजा सोफे पर अरसलान से सटी बैठी थी। रानिया को उसका यह अंदाज बड़ा बुरा लगा। वहीं पर सोनिया के वकील भी मौजूद थे। वकील ने कहा, मिस रानिया, आप कल 11 बजे यहां हाजिर रहिएगा। मैं तो यहीं रहती हूं साहब, जब आप कहेंगी आ जाऊंगी। मुझे बताया गया था कि आज आप अपने घर चली जाएंगी, वकील साहब ने कहा। कंजा बीच में बोल पड़ी, दरअसल मैंने और अरसलान ने सोचा कि फिजा को जहनी सुकून के लिए मेरे घर मेरे बच्चे और उसकी ट्रेन डाया के पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि फिजा के दिलो दिमाग में सोनिया की मौत का असर पड़ सकता है। जब फिजा हमारे यहाँ चली जाएगी तो रानिया की यहाँ क्या जरूरत रहेगी। उसकी इस बात पर रानिया को गुस्सा आ गया। उसने तीखे स्वर में कहा, मेरे ख्याल से अभी घर में फिजा के बड़े मौजूद हैं, वे इस बारे में फैसला लेंगे। आपका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आप सोनिया मैम की सहेली हैं। मैं तो सोनिया की सहेली हूँ, लेकिन तुम तो मुलाजिम के अलावा कुछ नहीं हो। रानिया ने तड़प कर अरसलान की ओर देखा कि वह उसका कुछ सपोर्ट करेगा, पर वह चुप बैठा था। वहाँ मौजूद सोनिया की खाला ने कहा, मैं फिजा को अपने घर भेज देती हूँ, वहाँ मेरी बेटियाँ उसे संभाल लेंगी। वकील ने कहा, आप लोग बेकार की बहस कर रहे हैं। सोनिया की वसीयत के मुताबिक वसीयत खोलते वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें एक है मिस रानिया, इसलिए इनका यहाँ रहना जरूरी है, इसलिए यही बेहतर होगा कि फिजा उन्हीं के पास रहे। इतने दिनों से वही उसकी देखभाल कर रही हैं और इस वक्त इन्हीं की जरूरत भी है। क्यों अरसलान साहब, यह बात सही है ना? अरसलान ने अनमने ढंग से कहा, आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब। कंजा ने बेकरार होकर उसकी तरफ देखा तो अरसलान ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया। रानिया ने उठकर कहा, क्या अब मैं फिजा के पास जाऊं? हाँ, आप जाएं और आप यहीं रुकेंगी, बच्ची के पास, वकील ने मजबूत लहजे में कहा। इसके बाद रानिया फिजा के पास लेट गई। अरसलान की बेरुखा और दोगला बर्ताव देखकर वह बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि एक बार सोनिया ने उससे कहा था, मेरी कंजा से कोई खास दोस्ती नहीं है। पता नहीं यह तलाकशुदा महिला क्यों बार बार मेरे घर चली आती है। शायद सोनिया को अंदाजा था कि वह अरसलान के पीछे लगी है। इन 8 महीनों में सोनिया से रानिया की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रानिया की यह अच्छी आदत थी कि वह चुपचाप सब सुनती थी, इसलिए सोनिया उससे अपने मन की बातें करके दिल हल्का कर लेती थी। एक बार उसने अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी बताई थी। उसने कहा था, यह सच है कि मुझे अरसलान से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। पहली बार जब अरसलान काटन सप्लाई के लिए हमारी फैक्ट्री में आया था, तब उसका कारोबार बहुत छोटा था। मैंने उसे पार्टनरशिप का ऑफर दिया था ताकि उसका काम बड़े पैमाने पर हो सके और आमदनी भी बढ़े। उसके बाद हमने साथ मिलकर बिजनेस बढ़ाया। उसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि अरसलान की मंगनी उसकी कजिन रूही से हो चुकी है। मैं पीछे हट गई और अरसलान को भूल जाना चाहा, पर उसी दौरान रूही का किडनैप हो गया। अरसलान ने बताया कि अपहर्ताओं ने 50 लाख रुपए मांगे हैं। 50 लाख रुपए उसने मुझसे इस वादे के साथ मांगे कि रूही के छूट जाने के बाद वह मुझसे शादी कर लेगा। मैंने अरसलान को 50 लाख रुपए दे दिए। मैंने पुलिस को भी खबर कर दी। जांच करते हुए पुलिस वहां पहुंची तो अपहर्ता भाग चुके थे। रूही रस्सियों से बंधी थी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। रूही ने बताया कि अपहर्ता 3 थे और उन्होंने मास्क पहन रखे थे, इसलिए वह किसी को पहचान नहीं सकी। सोनिया का कहना था कि उसे शक है कि यह किडनैपिंग का प्रोपेगेंडा अरसलान का था, उसी ने सारा खेल खेला था। आप अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही हैं, यह जान लेने के बाद भी आपने उनसे शादी की, क्योंकि मैं उस वक्त उसके इश्क में अंधी थी, सोनिया ने आगे कहा। अरसलान कंजा के साथ मिलकर मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मैं अपनी दौलत इस लालची इंसान और उस बेशर्म औरत के लिए नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त कंजा का नाम सुनकर रानिया मन ही
मन हंसी क्योंकि कंजा खुद को अरसलान की महबूबा समझ रही थी। उसी वक्त सोनिया की खाला उसके कमरे में आ गईं। आते ही उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ बैठी हो रानिया, तुम परेशान ना हो, मैं अरसलान से कहूंगी कि फिजा की सही देखभाल के लिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। रानिया चुपचाप बैठी रही। खाला ने आगे कहा, कंजा फिजा के मामले में बेकार में टांग अड़ा रही है, पर मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगी। वह बेवजह अरसलान पर डोरे डाल रही है। एक बार मेरी बेटी शीना इस घर में दुल्हन बनकर आ जाए तो मैं कंजा का पत्ता ही काट दूंगी। ऐसा हो गया तो तुम्हारी जॉब भी सेफ रहेगी। रानिया समझ गई कि सब लोग अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। शीना शादी करके करोड़ों की मालकिन हो जाएगी। सोनिया की मौत हो गई। लाश घर में पड़ी थी और सभी लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे थे। सोनिया की मौत के गम में रानिया कमरे में बैठी थी, तभी अरसलान की बड़ी बहन कमरे में आकर बोली, मैं चाहती हूँ कि अरसलान कम से कम फिजा का ख्याल करते हुए उस बेशर्म औरत के चंगुल से निकल जाए। दौलत के पीछे भागना छोड़कर वह ऐसी लड़की से शादी करे जो फिजा को दिल से प्यार करे और बिखरा घर संभाले। मैं उससे तुम्हारा जिक्र जरूर करूंगी। उसकी बात पर रानिया कुछ नहीं बोली। उसकी झुकी आंखों व लाल होते चेहरे से शायद उसकी रजामंदी मिल गई थी। उसने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि अरसलान दिल फेंक है, कई लड़कियों से अफेयर चला चुका है। मैं उसे बहुत समझाती थी कि सोनिया से बेवफाई न करे, पर वह नहीं माना। इससे रानिया को लगा कि अरसलान ने मोहब्बत का जाल फेंक कर उसे भी बेवकूफ बनाया है। उसी वक्त बाहर से आवाजें आनी लगी। सब लोग कब्रिस्तान से वापस आ गए थे। वह फिजा के बालों में हाथ फेरती वहीं बैठी रही। दरवाजा खटखटा करके अरसलान कमरे में आया। फिजा को देखकर बोला, फिजा तो अच्छी है ना, तुमने उसे संभाल लिया है ना? जी वह अब ठीक है। इसके बाद अरसलान ने रूखे लहजे में पूछा, तुमने आपा को क्या पढ़ाया है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। रानिया चौंक कर बोली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने मेरी आपा के दिमाग में यह बात भरी है कि फिजा के लिए मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। रानिया, मैंने रात के अंधेरे में तुमसे जो वादे किए थे उन्हें दिन के उजाले में भूल जाओ। झूठे वादे करना मेरी आदत है, उस पर यकीन न करना। इसके बाद वह ठहठहा लगा कर हंस पड़ा। रानिया उसका असली चेहरा देख कर दंग रह गई। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदगी देख ली थी। जो लड़की खुद पसंद करे उसे फंसाना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। 2-3 मोहब्बत भरी मुलाकातों के बाद शादी के झूठे ख्वाब दिखाकर तुम्हारा जिस्म हासिल कर लिया, बस इतना ही मेरा मकसद था। रानिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह तीखे स्वर में बोली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने रूही की नजर पहचानी थी, सोनिया की नजर पहचानी थी। अपने दोस्तों के जरिए रूही को अगवा करवा कर उसकी भी इज्जत लूट ली और उसके वापस आने पर ऐसी बेरुखी दिखाई कि उस मासूम ने मजबूर होकर खुदकुशी कर ली। अरसलान की आंखों में हैरत थी। वह गुस्से से चीखा, यह क्या बकवास कर रही हो? यह कहानी तुम्हें सोनिया ने ही सुनाई होगी, तुम इसका कोई सबूत नहीं दे सकती। अब चुप हो जाओ और मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ रह सकती हो। हमारे रात के अंधेरे का ताल्लुक वैसा ही रहेगा या फिर खामोशी से 5,00,000 रुपए लेकर यहाँ से निकल जाओ, पर अपनी जुबान बंद रखना। मैंने तुम्हें देवता समझा था, तुम तो शैतान निकले। तुम्हारी हर बात मानती रही, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी गंवा दी और उसका तुम यह बदला दे रहे हो मुझे। मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? जरा अक्ल से सोचो, तुम्हारे पास देने को अब बचा ही क्या है? यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। रानिया रो पड़ी। एक आवारा आदमी के पीछे उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। उसका दिल चाहा खुदकुशी करके मर जाए। तभी उसने सोचा कि अगर वह मर गई तो फिजा एकदम अकेली व बेसहारा हो जाएगी। उसे सही मायनों में फिजा से मोहब्बत हो गई थी। वह कुछ देर सोचती रही, उसके बाद उसने एक फैसला लिया और बात करने कमरे से बाहर निकली। जाने आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में।